इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों iQube के मोबाइल फ़ोन में होम स्क्रीन का मोड आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब तो आपका होम स्क्रीन पर ऐप किस तरीके से दिखना चाहिए, इसकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने iQube के मोबाइल में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको अपने iQube मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर नीचे आना है, नीचे आने पर लॉक स्क्रीन एंड वॉल पेपर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, देखिए लॉक स्क्रीन होम सेटिंग का, होम सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ होम स्क्रीन स्टाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन में ड्रॉअर सेलेक्ट होगा, तो ड्रॉअर सेलेक्ट रहने पर क्या होता है कि जब आप फिंगर को ऊपर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका सारा ऐप खुलता है, मतलब सारा ऐप लिस्ट आता है ऊपर की ओर ड्रॉ करने पर। अब अगर आप इसे दोस्तों स्टैंडर्ड मोड में रखना चाहते हैं तो यहाँ से स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर दीजिए, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जब आप ऊपर की ओर फिंगर को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐप आपका ओपन नहीं होगा, सिर्फ आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके आप सारा ऐप या आप यहाँ से सारा फोल्डर खोल सकते हैं ऐप का। सो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड या ड्रॉअर मोड आप रख सकते हैं अपने iQube के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।